नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है लुक केयर हेयर एंड स्किन सेंटर। जैसे कि मैंने आप लोग सभी को बताया था कि मैं अपने अगले वीडियो में आपको हेयर पैचेस के बारे में बताऊंगा कि वो पैचेस कितने कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को जो हेयर पैच के बारे में बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हेयर पैचेस एक्चुअली तीन कैटेगरी में डिफाइन किए जाएंगे। सबसे फर्स्ट कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं मोनोफिलामेंट, और ऐसे मेरे बहुत से भाई हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि मोनोफिलामेंट एक्चुअली कोई पैच का नाम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पैच की कैटेगरी है। बेसिकली मोनोफिलामेंट पैच जो होता है वो जिसके चारों साइड में ये देखिए आप बॉर्डर होता है और बीच में ये नेट होता है जो कि एयर पास के लिए होता है। और दूसरे नंबर पे आता है लेस, फ्रंट लेस। जो लेस वाले पैचेस होते हैं एक्चुअली उसमें हर टाइप के आते हैं, फ्रंट लेस, फ्रेंच लेस और जितने भी लेस वाले पैचेस हैं वो सब सेकंड कैटेगरी, जिनको हम फ्रंट लेस या फ्रेंच लेस बोल सकते हैं। तो और तीसरी जो क्वालिटी आती है वो आती है स्किन बेस्ड, जिसके अंदर कई लेयर्स स्किन के होते हैं और उनको हम स्किन बेस्ड बोलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको मोनोफिलामेंट के बारे में बताऊंगा। जो मोनोफिलामेंट पैच होता है उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और यूज़ करने का तरीका भी बहुत इजी और कंफर्टेबल होता है। जिसके ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं, इस बॉर्डर पर टेप और ग्लू लगा करके इसको अच्छी तरह से हम अपने स्कैल्प पर, बॉल्डनेस एरिया पर फिक्स कर लेते हैं और आप इसमें कोई भी हेयर स्टाइल आप ले सकते हैं जो कि बहुत अच्छा आएगा। और इसके अंदर कई कैटेगरी और कई क्वालिटीज़ आती हैं जो कि आपको मार्केट में तकरीबन 8,000 से लेकर कर और आपको 20,000 रुपये तक आराम से मार्केट में मोनोफिलामेंट के अंदर मिल जाएगी। और इसकी हम बात करें तो ये बहुत ही लॉन्ग लाइफ और लॉन्ग लास्टिंग है। इसको आप तकरीबन, अगर आप अच्छी तरह से सर्विस और अच्छी तरह से केयर करते हैं तो इसको आप तकरीबन से तकरीबन 1 से 1.5 साल आप इसको यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन आपकी सर्विस का तरीका और सर्विस की क्वालिटी। और सेकेंड नंबर पर जो पैच आता है, जो मैंने आपको बताया था लेस पैच, जो लेस वाले पैचेस होते हैं इनका, इनकी लाइफ थोड़ी सी कम होती है इंस्टेड ऑफ मोनोफिलामेंट। मोनोफिलामेंट की अगर बात करें तो उसकी जो ये फ्रेंच लेस पैच होते हैं इनकी लाइफ थोड़ी सी कम होती है, जो कि अगर हम बात करें तो मोनोफिलामेंट से थोड़ी कम होती है। बट जो ये फ्रंट लेस पैचेस होते हैं इनका सिर्फ एक एडवांटेज है कि इसमें जो हेयर लाइन आती है वो एक नॉर्मल हेयर लाइन आती है और एक्चुअली आप इसमें बैक कॉमिंग या आप कोई भी हेयर स्टाइल इजीली रख सकते हैं जिसके अंदर बहुत ही अच्छी हेयर लाइन आती है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी हेयर लाइन आती है सामने से नेचुरल लुकिंग के साथ। और इसकी जो कॉस्टिंग है दोस्तों वो तकरीबन जो स्टार्टिंग होती है 15,000 से लेकर के 25,000 रुपये तक आपको मार्केट में अच्छे से अच्छे पैचेस मिल जाएंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैचेस हैं, बट आपको वो मार्केट में मिल जाएंगे। इसमें कई तरह के आते हैं जिसके अंदर कई नाम है मार्केट के अंदर, ऑस्ट्रेलियन, Q6, फ्रंट लेस, फ्रेंच लेस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो इसके अंदर आपको बहुत अच्छी हेयर लाइन के साथ आपको ये लुक मिलेगी इस पैच को लगाने के बाद। और थर्ड दोस्तों जो मैंने बात करी थी स्किन बेस, जो स्किन बेस पैच आते हैं उनकी जो एक्चुअली स्टार्टिंग जो है वो तकरीबन मार्केट के अंदर 18,000 से लेकर के 40,000, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जो कि सिंगल लेयर, डबल लेयर और थ्री लेयर्स में मार्केट में मिलते हैं और जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के नाम से आते हैं और हेयर क्वालिटी डिफरेंट आती है। वो जो पैचेस हैं ये पैचेस स्किन बेस्ड होते हैं जिसके अंदर ये देखिए एक ही नेट लगा होता है
जो नीचे होता है, और ये स्किन होती है इधर ऊपर, जिसके अंदर इजीली आप स्किन विजिबल होती है। तो इसके अंदर आपको बिल्कुल भी आपको पता नहीं लगता कि आपने पैच लगाया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा मोनोफिलामेंट पैच के बारे में, और ये पैच एक्चुअली बहुत ही अच्छा और बहुत ही लॉन्ग लाइफ और लॉन्ग लास्टिंग चलता है। जो मेरे भाई जिनका बजट थोड़ा सा ठीक नहीं है और वो कम बजट में हेयर पैच लगाना चाहते हैं, तो वो भाई इस पैच को यूज़ कर सकते हैं, जो कि तकरीबन 15 से 18 महीने तक अगर अच्छी सर्विस और अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छा ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें और आप जो है, रही बात क्वालिटी की कि आपको क्वालिटी कौन सी चूज़ करनी चाहिए या कौन सी नहीं चूज़ करनी चाहिए, ये डिपेंड करता है हेयर क्वालिटी के ऊपर। तो आप लोग अपने बजट के हिसाब से तो चूज़ करें, बट आप ये ज़रूर देखें कि हेयर की क्वालिटी क्या है एक्चुअली। ऐसा ना हो कि कम पैसे में आप बेकार चीज़ मार्केट से ले लें। तो सबसे पहले आपको ये देखना है हेयर की क्वालिटी अच्छी है, स्मूथ है या नहीं है, पैच ज़्यादा हैवी तो नहीं है, पैच की जो थिकनेस है ज़्यादा मोटी तो नहीं है, ये भी आपको देखना है। और साथ साथ आपको ये देखना है कि कहीं आप कोई कम पैसे दे करके बेकार क्वालिटी तो नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों, और मैं आपको सेकंड बात करता हूँ फ्रंटलेस पैच की। फ्रंटलेस पैच के अंदर जो खासियत है कि हम इसके अंदर बैक कॉम्बिंग इजीली कर सकते हैं। जो बिल्कुल बैक से बैक हेयर रखना चाहते हैं इजीली, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मोनोफिलामेंट पैच के अंदर बैक कॉम्बिंग नहीं कर सकते, इसमें भी आप बैक कॉम्बिंग कर सकते हैं, बट इसमें क्या होता है कि जो फ्रंट से जो इसका बॉर्डर है वो कई बार विजिबल हो जाता है सामने से, अगर आप इसकी बैक कॉम्बिंग करते हैं तो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है बैक कॉम्बिंग के लिए। अगर आप इसके अंदर बैक कॉम्बिंग लेते हैं तो ये थोड़ा सा बॉर्डर दिखने के चांसेस होते हैं, और इसीलिए मैं अगर प्रेफर करूंगा तो बैक कॉम्बिंग के लिए हम फ्रंटलेस पैच ही लगाएं, जो कि बहुत अच्छे लुक और अच्छे हेयर स्टाइल लेकर के आते हैं, जिसमें आप कोई भी हेयर स्टाइल इजीली बैक कॉम्बिंग के साथ रख सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा नेट दिया होता है जिसको आपके फ्रंट हेयर लाइन के हिसाब से कटिंग करके अलग कर दिया जाता है और आपको एक हेयर स्टाइल दे दिया जाता है, जो कि आपकी स्किन के साथ ये मर्ज हो जाता है और आपको ये बहुत अच्छी बैक कॉम्बिंग मिलती है। अभी देखिए, तो ये बहुत ही नेचुरल और ओरिजिनल हेयर लाइन लगती है। और दोस्तों अगर आपको नेचुरल या नॉर्मल हेयर स्टाइल रखना है, या आप एक फंकी लुक रखते हैं, या आप साइड पार्टीशन रखते हैं, तो आप मोनोफिलामेंट पैच ही चूज़ करें, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग और इसकी बहुत अच्छी लाइफ होती है, और इसमें आप नेचुरली साइड पार्टीशन कोई भी इजीली रख सकते हैं, और जो कि बहुत इजीली आप यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही लॉन्ग लाइफ ये पैच चलता है। तो ज़्यादा पैसे ना खर्च करके आप कम पैसों में अपना हेयर स्टाइल और बॉल्डनेस एरिया कवर कर सकते हैं मोनोफिलामेंट पैच के अंदर। और दोस्तों, थर्ड नंबर पर जो मैंने बात करी थी स्किन बेस्ड पैच, जिसके अंदर अगर आप एक नेचुरल स्किन बेस्ड पैच चाहते हैं और बहुत ही लाइट वेट पैच चाहते हैं, तो आप ये पैच यूज़ कर सकते हैं, बट ये कहीं ना कहीं बहुत कम टाइम चलता है, क्योंकि इसका जो हेयर की नॉटिंग होती है वो फर्स्ट लेयर पे होती है, और इसके नीचे दो लेयर्स और होती हैं जो स्किन और नेट होता है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये बहुत जल्दी डैमेज होने के चांसेस इसमें रहते हैं। इसमें दो कैटेगरी में आते हैं, एक फ्रंटलेस होता है और एक स्किन बेस होता है। तो स्किन बेस और फ्रंटलेस साथ में अगर आप लेते हैं तो आप एक एक्स्ट्रा लुक पा सकते हैं, क्योंकि आप सामने से तो आप नेचुरल हेयर लाइन मिलेगी, साथ में आपको हेड से स्कैल्प के पास से ओरिजिनल हेयर जो आपको स्कैल्प मिलेगा,
जिसको हम स्किन बेस्ड बोलते हैं। तो इससे आपको ये दोनों के दोनों बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो अगर हम इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर हम मोनो में जाते हैं तो इसके अंदर वो तकरीबन कॉस्टिंग जो मैंने आपको बताई थी कि 18,000 से लेकर के 40,000 रुपये तक की कॉस्टिंग है। और अगर हम इसके अंदर फ्रंटलेस में जाते हैं जो साथ में हेयरलाइन है, उस हेयरलाइन के साथ अगर हम जाते हैं तो वो अराउंड 25,000 टू अराउंड 45,000 तक इसकी कॉस्टिंग जाती है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसमें कैसा हेयर स्टाइल लेना चाहते हैं, विद फ्रंटलेस और विद स्किन लेस। तो दोस्तों मुलाकात होगी हमारी नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको हेयर पैचेस के प्राइस के बारे में बहुत इजीली और क्लियर बताऊंगा कि कैसे आपको चूज़ करना है और कौन सा पैच चूज़ करना है जिसमें कि आपको ना ज़्यादा पैसे पे करने पड़े, ना ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़े और आपको एक अच्छी चीज़ मिले। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को साथ साथ दबाएं ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।